बढ़ते हैं आगे, रुकते हैं बंगाल का। बंगाल में कल दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम पहुंची, लेकिन टीम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों की जांच कर रही थी। कोर्ट के आदेश के तहत प्रभावित इलाकों में घूम घूमकर पीड़ितों के बयान ले रही थी, लेकिन कल जादवपुर में एनएचआरसी की टीम को उल्टे पैर भागना पड़ गया। ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए। चुनाव बीत गए लेकिन बंगाल की सियासत का चुनावी रंग अभी भी एकदम ताजा और चटक है। ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। सैकड़ों की ये भीड़ दीदी की समर्थक है और इनसे घिरे ये चंद लोग दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम है। चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करने पहुंची ये टीम खुद ही भीड़ के हत्थे चढ़ गई। एनएचआरसी की टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान भी थे, इनके हाथों में बंदूकें भी थी, लेकिन भीड़ को ना तो एनएचआरसी से कोई मतलब न सीआईएसएफ के जवानों से। टीम के रास्ते घेर लिए गए, इनके काम में भरपूर अड़ंगा डाला गया और इन्हें इलाके से बाहर भगाने की कोशिश की गई। ये सब हुआ राजधानी कोलकाता से सटे जादवपुर में। आप देख सकते हैं ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन जिस वक्त इन गुंडों ने मेरे साथ के इस तरीके का व्यवहार शुरू करा तब पुलिस यहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने इनको मौका दिया जानकर। टीम की अगुवाई कर रहे एनएचआरसी सदस्य आतिफ रशीद ममता समर्थकों की भीड़ के इस रवैये पर कई बार बिफर पड़े। उन्होंने बार बार भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। एनएचआरसी की टीम को घेरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। महिलाओं के आगे होने की वजह से सीआईएसएफ की टीम भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। शुरुआत में इनके साथ स्थानीय पुलिस भी थी, लेकिन एनएचआरसी सदस्यों का कहना है कि जैसे ही धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हुआ स्थानीय पुलिस के लोग गायब हो गए और टीम को आखिरकार यहां से निकलना ही पड़ा। 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहां नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा। बुरी बात है, एक बार देखिए आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए मारने के लिए सामने हो रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद आरोप लगे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग के सदस्यों समेत एक कमेटी का गठन किया था। समिति के सदस्य पिछले 3 से 4 दिनों से प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जादवपुर में हिंसा के आरोपों की जाँच कर रही टीम ही हिंसा की शिकार हो गई। बीजेपी इसे ममता सरकार का असली चेहरा करार दे रही है तो टीएमसी हिंसा के आरोपों को ही नकार रही है। इस घटना से बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया, एनएचआरसी को खुद पता चल गया बंगाल की गाँव में किस तरीका से पुलिस और गुंडा तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है, उसको पता उसको चल गया और उस एरिया में एनएचआरसी को विटनेस देने के नाते 40 घर का खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम, तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स उसको जनता मारेगा क्यों, उसको तो प्यार करेगा बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मरना है बेइज्जत करना है तो नेशनल ह्यूमन कमीशन के को नहीं करता है, वो करना है तो मारते हैं तो असली के मरते हैं, ये सब झूठा इल्जाम है। बहरहाल इस हंगामे और बवाल के बीच एनएचआरसी की टीम ने कई हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट आज कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी जानी है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ
आज तक ब्यूरो।